हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आ गई हूँ फिर से एक न्यू रीडिंग के साथ। गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सभी अच्छे हैं, खुश और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं। आज आप सभी के लिए मैं एक रीडिंग कर रही हूँ। रीडिंग का टॉपिक है आपकी शादी किससे होगी और शादी के बाद आपका कनेक्शन, आपका रिलेशनशिप, आपकी मैरिज कैसी रहेगी आपके पार्टनर के साथ, आपकी बनेगी या नहीं बनेगी एक दूसरे के साथ। ठीक है, तो शादी किससे होगी और शादी के बाद आपका रिश्ता कैसा होगा आपके पार्टनर के साथ, ये सारी बातें पता करेंगे। ठीक है, और साथ ही साथ उनकी पर्सनैलिटी, वो क्या उनका प्रोफेशन होगा, कैसा उनका बिहेवियर होगा, ये सब बातें भी पता करेंगे आज की रीडिंग में। तो मैंने यहाँ पर दो ग्रुप बनाए हुए हैं। ग्रुप नंबर वन के लिए मैंने यहाँ पर राधा का कार्ड रखा हुआ है, राधा माँ। ठीक है, तो अगर आपको ये वाला कार्ड अट्रैक्ट कर रहा है तो आप पाइल नंबर वन को सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, ध्यान से देख लें कार्ड को। पाइल नंबर वन के लिए ये वाला कार्ड है एंड पाइल नंबर टू के लिए मैंने यहाँ पर ग्रीन तारा का कार्ड रखा हुआ है। तो अगर आप इस वाले कार्ड से अट्रैक्ट हो रहे हैं तो आप ग्रीन तारा कार्ड सेलेक्ट कर सकते हैं, पाइल नंबर टू को सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, ध्यान से देख लें कार्ड को। तो जो भी कार्ड आपको अट्रैक्ट कर रहा है आप एक पाइल को सिलेक्ट कीजिए। अगर आपको दिक्कत हो रही है तो थोड़ी देर वीडियो को पॉज कर लें, देन आप एक पाइल सेलेक्ट कर लें। इनकेस अगर तब भी आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो रहे हो पाइल को सिलेक्ट करने में तो आप दोनों देख लें, फिर जो आपके साथ रेजोनेट करता है उसको आप रखिए। ठीक है, तो गाइस स्टार्ट करते हैं रीडिंग। रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूँ टाइमलेस है, तो जब भी आपको ये रीडिंग मिलती है आप देख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये रीडिंग टाइमलेस है। और दूसरी बात यह है, जनरल रीडिंग है तो हो सकता है कि सभी के साथ रेजोनेट करे, हो सकता है ना करे। तो अगर आपके साथ रेजोनेट करती है रीडिंग बहुत अच्छी बात है, नहीं करती तो आप नेक्स्ट रीडिंग के आने का वेट कर ले या किसी और चैनल पर जाकर आप वीडियो देख ले। ठीक है, आपकी मर्जी है, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है तो हो सकता है आपके साथ रेजोनेट कर जाए, हो सकता है ना करे। सो प्लीज़ कीप एन ओपन माइंड। चलिए, अब तक आपने एक पाइल सेलेक्ट कर लिया होगा तो मैं पाइल नंबर वन से स्टार्ट करती हूँ, राधा कार्ड से। ठीक है, हेलो एवरीबॉडी, जिन्होंने भी चूज़ किया है राधा माँ का कार्ड, चलिए देख लेते हैं आपकी शादी किससे होगी और शादी के बाद आपका रिश्ता आपके पार्टनर के साथ कैसा रहेगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं गाइस। दो कार्ड्स आए हैं यहाँ पर, फाइव ऑफ कप्स, कैंसर स्कॉर्पियन पाइसेस एंड टू ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न। ओके, एक कार्ड आ गया, हेरोफेंट का कार्ड आया है और दूसरा आया है द लवर्स। वाओ वाओ गाइस, ब्यूटीफुल लवर्स एंड हेरोफेंट, शादी का कार्ड ही आ गया आपकी रीडिंग में। ओके, नो डाउट कि आपकी शादी आपके ट्विन फ्लेम से होगी, नो डाउट। फोर ऑफ कप्स, द मून, ओके, द एम्परर, ओके, थ्री फोर मेजर खाना वी हैव राइट नाउ। एंड एस ऑफ व्हील्स, इट मीन्स एस ऑफ पेंटिकल्स, ब्यूटीफुल। बॉटम ऑफ द डेक से जस्टिस का कार्ड आया है, मुझे लग ही रहा था कि जस्टिस कार्ड डेफिनेटली आएगा, क्योंकि यहाँ पर मैं देख रही हूँ आप इस पार्टनर को जानते हैं, मैं ये देख रही हूँ यहाँ पर। गाइज, मैंने आज इवनिंग में एक रीडिंग पोस्ट की थी, शुड आई वेट और मूव ऑन, तो वहाँ पर लोगों ने कहा था कि रीडिंग रेजोनेट नहीं हुई है, ऐसे ऐसे है। तो मैं स्टार्टिंग में ही बोलती हूँ कि रीडिंग जनरल होती है। अगर आपको लगता है कि आपके साथ रेजोनेट नहीं हो रही है तो वो मैसेजेस आपके लिए नहीं है, वो किसी और के लिए है। ठीक है, क्योंकि हर वक्त एक ही ग्रुप के लिए तो मैसेजेस नहीं आएंगे ना,
कुछ लोग हैं जो उस कंडीशन में भी हैं, तो उनके लिए वो मैसेजेस हैं। अगर आप लोगों के साथ रेजोनेट नहीं करती है तो आप इग्नोर कर दो, दैट्स इट, बस इतना करना है आपको। ठीक है, मैं हमेशा बोलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग का वेट कर लो अगर आपके साथ रेजोनेट नहीं हो रही है तो, और अगर आपको लगता है कि वो मैसेजेस आपके लिए नहीं है और मैसेजेस अच्छे भी नहीं है तो अच्छी बात है ना, आपको तो खुश होना चाहिए कि आपके साथ रेजोनेट नहीं हुई। चलिए अब मैं इस रीडिंग की बात करती हूँ। तो आपकी शादी किससे होगी? सबसे पहली बात तो मैं आपको बता दूँ, आप इस पर्सन को जानते हो, आप इसके साथ एक ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हो, ठीक है, और इस पर्सन ने आपको काफ़ी उदास हताश किया हुआ है क्योंकि ये पर्सन आपसे बात नहीं करते हैं। विद द फाइव ऑफ कप्स, ये पर्सन बहुत अकेले हैं, बहुत रिग्रेट की फीलिंग भी इनको फील होती है। फोर ऑफ कप्स का मतलब है कि ये पर्सन बिल्कुल भी अभी रेडी नहीं है कि आपको कमिट कर दें, क्योंकि देखो यहाँ पर भी उदास हैं, यहाँ पर भी किस तरीके से उलझे हुए से उलझनों में बैठे हुए हैं, लाइक कोई क्लैरिटी नहीं है लाइफ में, लाइक इस पर्सन को पता ही नहीं है ये क्या कर रहा है। ये पर्सन चाहता भी है कि आपके पास आ जाए, फिर एट द सेम टाइम ये पर्सन सोचता है कि नहीं अभी थोड़ा और वेट करना है, क्योंकि इस पर्सन के अंदर डिसेप्शन है, क्योंकि ये पर्सन बिल्कुल भी चाहते नहीं अभी बातों को रिवील करना, बातों को बताना, ये आपके लिए दिल से सोचते क्या है। ठीक है, हो सकता है कि इस पर्सन ने कभी नहीं बताया, लेकिन हाँ इस पर्सन ने ये ज़रूर बोला होगा कि आप अलग हो, आप डिफरेंट हो, आप यूनिक हो, आप दूसरों से अलग हो, ये बात इस पर्सन ने आपके साथ बोली होगी। फिलहाल ये पर्सन बहुत ज़्यादा सोचते हैं इस कनेक्शन के बारे में, कंटिन्यूसली ये पर्सन सोचते हैं, लेकिन एक डिसीजन पर नहीं पहुंच पाते हैं। अब मैं बताती हूँ, ये पर्सन देखो दिखने में बहुत ज़्यादा गुड लुकिंग है, चाहे ये लड़की है या लड़का है, इसमें एक एम्परर के फीचर्स हैं, ठीक है, एक महाराजा के गुण हैं इसके अंदर, ये बहुत ज़्यादा इनका माइंडसेट बहुत स्ट्रांग है। इस पर्सन को अपने डिसीजन पर ज़्यादा ट्रस्ट होता है, दूसरों के डिसीजन पर इतना ट्रस्ट नहीं होता है, और ये पर्सन रूड भी बहुत है। इस पर्सन को अपनी बातें सही लगती है, दूसरों की नहीं, ठीक है, इसको अपने मन की करनी होती है। और ज़्यादा से ज़्यादा टाइम ये पर्सन सोचते हैं कि मैं ही सही हूँ, बाकी सब गलत है। हेरोफेंट का मतलब है ये पर्सन हाईली एजुकेटेड भी हैं, और कहीं ना कहीं इन पर भगवान की बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग्स हैं, चाहे ये अपने फाइव ऑफ कप्स का मतलब है, हो सकता है रिसेंटली ये बहुत ज़्यादा हार्डशिप फेस कर रहे हैं, लेकिन फिर भी डोंट वरी, इनकी लाइफ से ये हार्डशिप खत्म हो जाएगी और इनकी लाइफ में गॉड की तरफ से ब्लेसिंग्स आएगी। ठीक है, विद द एस ऑफ व्हील्स मुझे यहाँ दिखा रहा है कि गॉड की ब्लेसिंग इस पर्सन पर है, और ये पर्सन डेफिनेटली एक एम्परर है, बहुत ज़्यादा मैस्कुलिन है, और इस पर्सन में बहुत दिल का भी अच्छा है, बुरा नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा ईगो सामने आ जाता है इस पर्सन के। लवर्स का मतलब है ये पर्सन आपके साथ एक स्पिरिचुअल कनेक्शन फील करते हैं, आपको अपना लवर मानते हैं, और डेफिनेटली आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं, ये जोड़ी ऊपर से बनकर आई है डिवाइन की तरफ से। ठीक है, बॉटम ऑफ द डेक से जस्टिस कार्ड का आने का मतलब है कि अगर कुछ भी गलत हो रहा है इस कनेक्शन में तो डेफिनेटली जस्टिस मिलेगा, और जस्टिस भी एक मैरिज कार्ड होता है। आपकी रीडिंग में दो दो मैरिज कार्ड आए हैं, तो आपकी मैरिज डेफिनेटली जस्टिस के बाद ही आपके लवर के साथ हो जाएगी, आपके ट्विन फ्लेम के साथ हो जाएगी। ठीक है, ऐसा मैं देख रही हूँ, जस्टिस यहाँ पर होना ही होना है। ठीक है, इस पर्सन की फैमिली भी बहुत एजुकेटेड है, बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे लोग हैं, समझदार हैं, इनका खाना पीना, इनका रहन सहन, इनका ओढ़ना पहनना सब कुछ बहुत अच्छा है, सब कुछ बहुत अच्छा है। आपके साथ इस पर्सन के विचार मिलते हैं। ठीक है, कंपैटिबिलिटी भी बहुत अच्छी बनेगी आपकी, अगर आप दोनों की शादी होती है तो डेफिनेटली आपका रिश्ता अच्छा ही जाएगा इस पर्सन के साथ, लेकिन अभी थोड़ा सा सेपरेशन में हो, या अभी इस पर्सन का ही माइंड अभी क्लियर नहीं है, इस वजह से शायद से ये पर्सन टाइम लगा रहा है। बट डोंट वरी, जस्टिस का मतलब डिवाइन टाइमिंग भी होती है, तो एट द डिवाइन टाइमिंग सब कुछ ठीक भी हो जाएगा, ऐसा यहाँ दिख रहा है। एस ऑफ पेंटिकल्स का मतलब है कि न्यू बिगिनिंग आप दोनों के बीच में हो जाएगी, अगर अभी सेपरेशन में हो तो पॉजिटिव रहो। ठीक है, मैं यहाँ पे कोई नया पार्टनर नहीं देख रही हूँ, इवन जो जिसके साथ आप डील कर रहे हो उसी से ही आपकी शादी होगी। ओके, टेम्परेंस, किंग ऑफ पेंटिकल्स, शायद से मैंने साइन नहीं बताए थे, यहाँ पे है वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस।
एंड यहाँ पर है टॉरस, टॉरस विर्गो कैप्रिकॉन, यहाँ पे जेमिनाई है, और या यही साइन है यहाँ पर। तो ये साइन हो सकता है आपका, वाटर साइन हो सकता है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉन, जेमिनाई, ये साइन, और एरीज भी है यहाँ पर, ठीक है। एरीज भी साइन हो सकता है आपका या आपके पार्टनर का। ओके सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, टावर, एंड सिक्स ऑफ सोल्स। ओके, देखो यहां पर आपका रिश्ता कैसा जाएगा इनके साथ अगर आपकी शादी हो जाती है। सबसे पहली बात है, आपका रिश्ता अच्छा जाएगा विद द टेम्परेंस कार्ड, ठीक है। बहुत ही शांति से स्मूथ चलेगा आपका कनेक्शन। और दूसरी बात ये है कि आप इस पर्सन के साथ ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हो, टाइम टाइम पर आपके लिए चैलेंजेस तो आते रहेंगे, ठीक है। लेकिन ये आपके बॉन्डिंग पर डिपेंड करेगा कि आप इन चैलेंजेस को कितनी जल्दी खत्म कर सकते हो। हो सकता है कि झगड़ा हो लेकिन 10 मिनट के लिए ही हो, 5 मिनट के लिए ही हो, ठीक है, ऐसा भी हो सकता है। आपके रिश्ते में इक्वल गिव एंड टेक होगा, एफर्ट दोनों की तरफ से बराबर होंगे। और दूसरी बात यह है, आपके पर्सन बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल होंगे, ठीक है, अच्छा कमाएंगे, अच्छा इनका घर होगा, अच्छा आपको अच्छी लाइफ देंगे, ठीक है। लेकिन कभी कभी नोकझोंक आप दोनों के बीच में हुआ करेगी, ऐसा नहीं है कि हर वक्त ही स्मूथ चलेगा, नोकझोंक हुआ करेगी, कभी कभी आर्ग्यूमेंट, सेपरेशन भी थोड़ा थोड़ा टाइम के लिए आएगा, ऐसा नहीं है, ठीक है। लड़ाइयाँ झगड़ा थोड़ा देख ही रही हूँ मैं, लेकिन पैशनेट बहुत होंगे एक दूसरे के लिए। ये पैशन ही है जो आपके लाइफ के सारे चैलेंज खत्म कर दिया करेगा बहुत जल्दी ही, और आपका रिकन्सिलिएशन बहुत जल्दी जल्दी हो जाया करेगा। मीन्स लड़ाई भी बहुत लंबे टाइम तक नहीं चलेगी, जल्दी जल्दी सब कुछ शॉर्ट आउट आप कर लिया करोगे, क्योंकि आप दोनों अलग रह ही नहीं पाओगे, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पे सेपरेशन नहीं होगा, होगा लेकिन थोड़े टाइम के लिए होगा, ठीक है, ऐसा मैं देख रही हूँ। शादी आपकी अच्छी ही जाएगी इस पर्सन के साथ। और ऐसी कौन सी मैरिज है जिसमें कभी लड़ाई नहीं हुई, झगड़े नहीं हुए, ठीक है। लेकिन पैशनेट बहुत हो गए, वाह, आपके पार्टनर आपको देखो सरप्राइज करा करेंगे टाइम टाइम पर, बहुत ज्यादा सरप्राइज करेंगे आपको, आपको सरप्राइज दिया करेंगे ये, अचानक से ही एकदम से गॉसिप, आपसे बातें बहुत करेंगे ये पर्सन, बहुत ज्यादा बातें करा करेंगे, आप दोनों बहुत ज्यादा बातें शेयर करोगे, बातें करोगे, बातों की कोई कमी नहीं होगी आप दोनों के बीच में। एंड परसेवेरेंस का मतलब होता है, कभी कभी ऐसा भी लगेगा कि देखो सेल्फ वर्थी होंगे आप दोनों ही, बहुत ज़्यादा अर्न करेंगे अपनी लाइफ में, आप भी काफ़ी ज़्यादा अर्न करोगे, आपके पार्टनर भी। परसेवरेंस का मतलब है, जब जब लड़ाई होगी तो बहुत डिसअपॉइंट हो जाओगे, बहुत ज़्यादा कभी कभी गॉसिप करते 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 कुछ आर्ग्यूमेंट्स हो जाएंगे, कभी कभी कुछ ऐसा हो सकता है कि परिवार वालों की वजह से कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हो गई, तो छोटे मोटे नोकझोंक हुआ करेंगे, बट आप यूनिवर्स पे पूरा ट्रस्ट करोगे और ये पर्सन डेफिनेटली आपको सरप्राइज तो देंगे ही, लड़ाई के बाद सरप्राइज यही देंगे आपको, यही मनाने आएंगे, डोंट वरी, ठीक है, ऐसा मैं यहाँ पर देख रही हूँ। फिर चाहे ये लड़की है लड़का है, जो भी आप वीडियो को देख रहे हो, आपके पार्टनर ही आपको मनाने के लिए आया करेंगे, और जस्टिस यहाँ पर टाइम टाइम पर हुआ करेगा आपके कनेक्शन में, ठीक है। तो पाइल वन बहुत अच्छी रीडिंग आई है, आपकी लाइफ में थोड़ा सा अभी स्ट्रगल है राइट नाउ, आपके पार्टनर आपको इग्नोर कर रहे हैं या आपसे बात नहीं कर रहे हैं, बट आपकी शादी के चांसेस इसी पर्सन के साथ है जिससे आप डील कर रहे हो, और यहाँ पर थोड़े से हार्डशिप चलेगी लाइफ में, शादी के बाद भी ऐसा नहीं है, बहुत स्मूथ रहेगा, लेकिन डोंट वरी, प्यार की कोई कमी नहीं होगी, ठीक है। तो ये है आपकी रीडिंग, आई होप कि आपके साथ रेजोनेट हुई हो, आपको पसंद आई हो। अगर रीडिंग रेजोनेट हुई है तो कमेंट सेक्शन में मेंशन करना, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। अभी के लिए बस इतना ही गाइस, बाय, टेक केयर। हेलो एवरीवन, जिन्होंने भी ग्रीन तारा कार्ड यूज सेलेक्ट करा है, चलिए देख लेते हैं आपकी शादी किससे होगी और शादी के बाद आपका रिश्ता आपके पार्टनर के साथ कैसा रहेगा, ठीक है। स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्या आता है।
देखते हैं गाइस क्या आता है आपके लिए, आपकी शादी किससे होगी और शादी के बाद आपका कनेक्शन आपके पर्सन के साथ कैसा रहेगा। ओके, टेन ऑफ वैंड्स, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। द हेरोफेंट, वाओ, ओके। पेज ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस एंड हेरोफेंट से है यहाँ पे टॉरस। किंग ऑफ कप्स, वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस। द एम्परर, नाइट ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस। वाटर साइन बहुत स्ट्रांग है यहाँ पर, अदरवाइज यहाँ पे टॉरस और एरीज बहुत स्ट्रांग है। टू ऑफ वैंड्स, ओके। एंड नाइन ऑफ पेंटिकल्स। व्हाट आर द डेक्स है, नाइट ऑफ व्हील्स। तो टू नाइट्स है आपके रीडिंग में। गाइस मुझे लगता है कि आपकी शादी ना किसी ऐसे पर्सन से होगी जिसे आप जानते नहीं होंगे, ठीक है। आपका मुझे लगता है अरेंज मैरिज होगी आपकी, घर वाले आपका रिश्ता तय करवाएंगे और उससे आपकी शादी होगी, ठीक है। और ये पर्सन बहुत चार्मिंग, बहुत गुड लुकिंग, चाहे लड़की है चाहे लड़का है, बहुत चार्मिंग होंगे, बहुत अट्रैक्टिव होंगे ये पर्सन। और मुझे लगता है कि आपके पापा, आपके फादर की तरफ से ये रिश्ता आपके घर, मतलब आपके लिए आएगा, ठीक है। आपके पापा सेलेक्ट करेंगे आपके लिए कोई भी लाइफ पार्टनर, और ये रिश्ता डेफिनेटली आपके लिए बहुत अच्छा होगा, क्योंकि हो सकता है कि आप बहुत हार्डशिप फेस कर रहे हैं, आप, आपकी लव लाइफ काफ़ी स्टक है, लेकिन इस पर्सन के आने से, और बहुत जेंटलमैन, बहुत ही पोलाइट, बहुत ही, अगर चाहे लड़की भी तो भी बहुत पोलाइट होगी, लड़के तो भी, लेकिन येस, पेज ऑफ कप्स मुझे बता रहे हैं कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा चार्मिंग, गुड लुकिंग और यू नो मॉडर्न सोच रखने वाला इंसान, बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव भी होगा ये पर्सन, ठीक है। जो भी है, ये लड़का है लड़की है, बहुत इंडिपेंडेंट होगा, ठीक है। अपने डिसीजन खुद लेना, अपनी लाइफ में कुछ बनना, कुछ हासिल करना, कुछ पाना, इस तरह के ड्रीम्स होंगे इस पर्सन के। इस पर्सन को फ्रीडम चाहिए, इस पर्सन को इंडिपेंडेंस चाहिए, और ये आपके साथ भी ऐसे ही कनेक्शन बनाएंगे। इट मीन्स इसको पीस चाहिए। ग्रीन तारा, आपने देखो कितना ग्रीनरी कार्ड चूज़ करा है, काफ़ी पॉजिटिविटी, हैप्पीनेस रहेगा आपके कनेक्शन में, ये चीज़ें, ठीक है। और मुझे लगता है कि ये पर्सन किसी किंग से कम नहीं होंगे और या किसी क्वीन से कम नहीं होंगे। ये पर्सन बहुत ज़्यादा ही अच्छे और पैशन की कोई कमी नहीं होगी विद द टू ऑफ वैंड्स। डेफिनेटली आप दोनों की केमिस्ट्री बहुत ज़्यादा अच्छी होगी, ठीक है। ये पर्सन आपको हर तरीके से सेटिस्फाइड कराएंगे, आपको अच्छा घर देंगे, अच्छी लाइफ देंगे, ठीक है। ओवरऑल काफ़ी ज़्यादा मैस्कुलिन होंगे ये पर्सन, तो आपका जो एक सेक्सुअल लाइफ है वो भी बहुत अच्छी जाएगी इस पर्सन के साथ। और हेरोफेंट बहुत ट्रेडिशनल फैमिली से होंगे और बहुत ब्रांडेड क्लोज, बहुत बनठन के रहना बहुत पसंद होगा इस पर्सन को। जॉब भी अच्छी करते होंगे, ऐसा नहीं है। मुझे लगता है इस पर्सन से मिलने के बाद आपके सारी प्रॉब्लम ख़त्म होने वाली है, आप एक अच्छी लाइफ जीना शुरू कर दोगे इस पर्सन के साथ, ठीक है। और यस, ये अरेंज मैरिज होगी आपकी, लव मैरिज नहीं होगी। और डेफिनेटली यहाँ पर ये जो रिश्ता आएगा, ये आपके पापा ढूंढेंगे आपके लिए, ठीक है। फैमिली से ही कोई बताएगा ये रिश्ता आपको। इस रिश्ते में आपको कोई कमी नहीं दिखेगी, क्योंकि यहाँ पर आपकी फ्रीडम भी कहीं नहीं जाएगी। ये पर्सन आपको हर चीज़, किसी भी चीज़ के लिए मना नहीं करने देंगे, ये आपको पूरी फ्रीडम देंगे। आपको जो अपनी लाइफ में करना है आप वो भी कर सकते हो, और ऊपर से दोनों की सोच भी काफ़ी मिलेगी। आप मतलब पूरी तरीके से फिदा हो जाएंगे इस पर्सन पे। बहुत चार्मिंग, गुड लुकिंग, अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी हो गई है, एक प्रिंस की तरह, एक प्रिंसेस की तरह, ठीक है, ऐसा मैं देख रही हूँ। चलिए, रिश्ता कैसा होगा आपका,
फिलहाल तो मुझे पता लग गया है, मैंने बता ही दिया है, फिर भी एक बार कार्ड्स निकाल कर भी देख लेते हैं क्या कार्ड्स आते हैं। टावर, ओके। मैजिशियन, गाइस मैंने आपको साइन बता दिए थे शायद, वाटर साइन है यहाँ पे, कैंसर स्कॉर्पियन पाइसेस, देन यहाँ पर है टॉरस वर्गो एंड कैप्रिकॉन, यहाँ पे एरीज भी बहुत स्ट्रांग है, ठीक है, ये साइन है यहाँ पर, तो इनमें से हो सकता है। टू ऑफ सोर्ड्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, सेवन ऑफ सोर्ड्स, नाइन ऑफ पेंटिकल्स अगेन। यस, आप दोनों को ना फ्रीडम चाहिए। अगर आपने एक दूसरे को रोका टोका, जैसे कि नहीं ये नहीं करना, ऐसे नहीं करना, वैसे तो होगा नहीं, बट मुझे नहीं लगता कि अगर ऐसी कोई बातें होती हैं अगर आप दोनों के बीच में, तो आप दोनों के बीच में आर्ग्यूमेंट स्टार्ट हो सकती है, ट्रस्ट इश्यूज हो सकते हैं स्टार्ट, ठीक है, ऐसा हो सकता है। एंड स्टार, ओके। तो गाइज रिश्ता कैसा होगा, देखो थोड़ा चेंज आएगा, ऐसा नहीं है कि लाइफ एकदम स्मूथ चलेगी, थोड़ा चेंज आया करेगा, लेकिन आप दोनों मैनिफेस्ट करते रहोगे, एक दूसरे को मनाने की समझाने की कोशिश करते रहोगे, ठीक है। कभी कभी ऐसा हुआ करेगा कि दोनों की एक टॉपिक पर, मतलब दोनों की राय नहीं मिलेगी, ठीक है, तो यहाँ पर कभी कभी थोड़ा कन्फ्यूजन भी होगी इस कनेक्शन में, ठीक है, लेकिन जो भी है आप दोनों एक दूसरे के लिए एक स्टार की तरह होगे, ठीक है, एक दूसरे से बहुत प्यार करोगे, ठीक है, पैशन, जैसे कि मैंने बताया द किंग नाइट ऑफ वैंड्स, पैशनेट बहुत होगे, बहुत अच्छी केमिस्ट्री बैठेगी आप दोनों के बीच में, लेकिन गाइस कभी कभी आप दोनों के बीच में ट्रस्ट इशू बन जाया करेगा, ठीक है, ये चीज मैं देख रही हूँ, ट्रस्ट इशू बन जाया करेगा, और दोनों ही ना बहुत, चाहे आप कितने भी बड़े हो जाओ, आपकी सोच थोड़ी सी ना मॉडर्न ही रहेगी, थोड़ी बच्चों वाली सोच रहेगी, बचपना दोनों में रहेगा, ये चीज भी मैं देख रही हूँ यहाँ पर, ठीक है, अदरवाइज कोई इशू नहीं है, अदरवाइज ठीक जाएगा कनेक्शन। लेकिन टावर मोमेंट ये भी हो सकता है कि एक वक्त ऐसा आया आपकी शादी में कि कुछ बड़ा ही इशू आ जाए, ठीक है, लेकिन उसको आप मैनिफेस्ट कर लोगे दोनों मिलकर, उस चीज को आप खत्म कर दोगे, क्लियर कर दोगे, और अपनी लाइफ में फिर से आगे अच्छे से बढ़ जाओगे। जब ये टावर मोमेंट आएगा आप दोनों को क्लियरिटी भी नहीं मिलेगी क्या करें क्या ना करें, लेकिन फिर भी आप दोनों एक दूसरे के लिए, क्योंकि पैशनेट हो, एक दूसरे को स्टार मानते हो, अपनी विश मानते हो, तो डेफिनेटली आप दोनों मैनिफेस्ट करोगे और आपकी शादी पर जो खतरा आएगा वो खत्म हो जाएगा, ठीक है, ऐसा भी मैं देख रही हूँ। चलिए यहाँ से देखते हैं क्या आता है। डेसिपेटिंग, ओके, जॉय, ओके, तो कभी बोर भी फील करोगे, कभी बहुत जॉय भी मिलेगा एक दूसरे को। इम्पार्शियलिटी, गाइज आप दोनों एक दूसरे को इक्वल गिव एंड टेक दोगे, ठीक है, दोनों एक दूसरे की इक्वल रिस्पेक्ट भी करोगे। एनलाइटनमेंट, एक दूसरे को स्पिरिचुअल लेवल पर भी आगे बढ़ाओगे, एक दूसरे को सपोर्ट करोगे, और वाओ सोलमेट कनेक्शन हो सकता है आप दोनों का, ठीक है, सोलमेट कनेक्शन जैसा फील करोगे, जैसे आपकी सोल जर्नी हो इस पर्सन के साथ, और डेफिनेटली बहुत ही अच्छा फील करोगे, कभी जॉय जैसा फील करोगे, कभी थोड़े से अपसेट भी हो जाओगे कुछ कुछ चीज़ों को लेकर, लेकिन एक दूसरे को सपोर्ट करोगे। एनलाइटनमेंट का मतलब है डेफिनेटली एक दूसरे को सपोर्ट करोगे, स्पिरिचुअल पाथ में आगे बढ़ने के लिए सपोर्ट करोगे, इक्वल गिव एंड टेक होगा, सब कुछ अच्छा अच्छा मैं देख रही हूँ आपकी लाइफ में, ठीक है, लेकिन यस ये अरेंज मैरिज होगी आपकी, ठीक है। तो गाइज ये है आपकी रीडिंग, आई होप कि आपके साथ रेजोनेट हुई हो, आपको पसंद आई हो, अगर रीडिंग रेजोनेट हुई है तो कॉमेंट सेक्शन में बताइएगा, चैनल पर अगर आप नए तो सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, अभी के लिए बस इतना ही गाइज, बाय, टेक केयर।